नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज ये फिर वही 30 लोग जो थे उनमें से एक फीमेल का हाथ आया है। केवल देना पैशन ही नहीं है ना फ़ोटो देने का, एक एक दो दो फ़ोटो दे दिया है सर ये इनका है, ये इनका नाम है और इनके बारे में जो कुछ समझ आती है बता दो, ज़िंदगी में बहुत दुखी है। तो हम बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो आगे क्या सुख है या नहीं है, वो आपसे सुनना चाहते हैं। जो बस इन ये रेखाएं जो हैं, ये जाल सा बना हुआ है, ये क्या मुसीबतें होती हैं। लोग कहते हैं कि जितना जो ज़्यादा रेखा होती हैं वो चिंता रेखा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या ये सही में है, ये इनके हाथ में फीमेल हैं? तो आपको देखकर क्या लगता है इनके बारे में? हमें इनके हाथ को देखकर लगता है, अभी हमने ऊपर की रेखा देखी है, कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने कहा है कुछ नहीं बताना आगे का कि किस साल क्या क्या होना है, बस मुद्दा बता दो क्या ये फीमेल कैसी हैं। ये फीमेल बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस दुख में भी प्यार मोहब्बत को ढूंढ लेती हैं। इनका पति भी दुखी है, वो भी प्यार मोहब्बत को ढूंढ लेता है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि दोनों, हाँ, अपनी अपनी जगह पर वो अपने असली प्यार को ढूंढ रहे हैं। वो कहता है मेरा इस पत्नी से मेरे को प्यार नहीं मिला है। तो ये पत्नी कहती हैं कि सरकमस्टांसेस ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो एक गृहिणी हूँ, फिर भी मेरे को मेरा दिल आ गया। अच्छा, तो क्या तलाक होगा? चांसेस ऐसे हाथों में चांसेस तो लगते। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये लोगों की जो हार्ट लाइन होती है वो ऐसे जाती है, इनकी हार्ट लाइन ऐसे क्यों पहुंच गई है? ये क्या है? परिवार? ये क्या है? परिवार? परिवार कौन सा? शादी से पहले मायके, ससुराल, इसकी प्रधानता रहेगी। अब सरकमस्टांसेस, आप कहते हो कि इनकी मैरिड लाइफ ख़राब है। अब आप मैरिड लाइफ ख़राब है, तलाक होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा हृदय रेखा ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ गई है, मतलब यानी मान के चलो कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो आप क्या करते हो? यहाँ एक लक्कड़ है, ये मान के चलो एक ऐसी लक्कड़ बांस है, आपने इसे ऊपर की तरफ कर दिया, यहाँ से प्रेशर डाल के ऊपर कर दिया, ये मुड़ गई ना, ऊपर की तरफ चली गई, तो ये स्पेस ज़्यादा हो गया ना। ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार, तब भी परिवार के कोई ना कोई साथ जरूर देगा, चाहे कोई भी हो, ये अधिकार तो मिलेगा आपको, चाहे लड़कर या झगड़कर कोई ना कोई जरूर होगा आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति, जरूर तो मायके में भी ससुराल में भी जरूर होगा। ये रेखा ऊपर की तरफ भाग्य रेखा का पार्ट बनकर गई है, भाग्य रेखा का पार्ट बन गई, इसने भाग्य रेखा का पार्ट बना लिया, ये उसको तरक्की दिलवाएगी, यानी उस तरक्की का कारक ये प्रॉपर्टीज़ लॉजिक है, यानी अब जो इनके रिश्तों में खटास आएगी, बच्चे होंगे, बच्चों के लिए अगर ये खड़ी नहीं होती हैं तो ससुराल में कोई ना कोई साथ जरूर दे देगा। यानी अगर ये मायके में भी रहती हैं तो मायके वाले, ये अधिकार ज़्यादा है ना, तो मायका, अगर मायका है तो मायके से ससुराल की तरफ भी कोई ना कोई बनता होगा, लेकिन दुखी रहेंगी। दुखी का कारक ये रेखा ने उसको कहती है कि तुझे लाभ पहुंचाऊंगी, लेकिन कैसे? अपने अधिकार को लड़ना होगा तुझे, तभी मिलेगा। अब ये रेखाएं यहाँ से चल रही हैं, इसने इस भाग्य रेखा के साथ मिलकर, तो ये तो प्रॉपर्टी तो मिलनी है इनको, इनके पास होनी है, जितना मर्जी ये दुखी तो 100% दुखी हैं, दुखी रहेंगी जिंदगी भर रहेंगी, लेकिन वो दुखीपन पति के कारण आएगा।
इस ऐसे हाथों में ऊपर की तरफ गई, ये डॉट पड़े हैं, इन रेखाओं ने इस रेखा को छू रखा है, अब वही रेखाएं नीचे आ रही हैं, समझते रहो, इन्हीं रेखा का कंसर्न इनके साथ आ रहा है। तो ये सारे इंडिकेशंस कहती हैं कि आपका संबंध कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण प्रॉपर्टी वर्ड अटकेगा आपके केस के साथ, यानी आपको मेंटेनेंस या बच्चों के कारण अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, चीज़ें मिलेंगी लेकिन आप अपनी लाइफ में कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, आपका भी प्यार मोहब्बत होगा। ये जो साइन जो चल रहे हैं प्यार मोहब्बत वाले ही चल रहे हैं, ये जो साइन जो चल रहे हैं यहाँ से, ये सब प्यार मोहब्बत के लिए, ये लाइनें ही प्यार मोहब्बत के लिए हैं। चाहे आप इसे गलत सेंस में मत लेना, आप नहीं भी चाहोगे तब भी किसी से प्रेम हो जाएगा आपको शादी के बाद में। और ये रेखाएं आपके घर को रिप्रेजेंट करती हैं, घर पर अपने अधिकार के लिए लड़ो, जरूर मिलेगा। ये रेखाएं अगर हैं, अगर इसने इस रेखाओं के साथ, ये रेखा ने इस रेखा के साथ और इस पर ट्रायंगल बना कर ये चली है, ये बना कर आगे निकली है, ये आपको कभी ससुराल, कभी मायके, कभी ससुराल, ये जो क्रॉस बना कर चली है इसी पर ट्रायंगल बने, अरे मिलेगा यार, देखिए जितने मर्जी मांगो आप उनसे, आप 10 करोड़ की मेंटेनेंस मांगो, 10 करोड़ तलाक तब दूंगी 10 करोड़ रुपये, मुझे नहीं मतलब, आपके भी बच्चे हैं, नहीं आते ना हो, घर पे नहीं आ रहे, दूर रहते हो, 2-2 महीने तक टूर रहता है, पता लगा पीछे पत्नी कहीं और रखी हुई है, मैं यहाँ पर हूँ, क्या करूँ। केवल ये कहना कि इतने सारी रेखाएं हैं तो इनसे आप दुखी होगे, ये चिंता रेखा है, मजबूत रेखा है, चिंता रेखा पतली होती है, बहुत मामूली होती है, ये साइन आपके अलग होने, यार ये सारे साइन ही वही है। ये देखो ये जो रेखा चली है जिस ढंग से चली है ना, ये जिस ढंग से चली है ये अलग करवा देगी आपको। नंद जी हैं, भाभी जी हैं, जेठानी हैं, कुछ भी हैं, वो बनती नहीं है, हम तो अलग होंगे, अलग होने के बावजूद भी अगर कोई आपको इस हृदय रेखा के कारण आपकी हेल्प कर रहा है, कितनी बड़ी बात, अलग अलग हो गए आप फिर भी कोई आपकी सास या कोई मदद करने वाला मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया आपका बढ़ चुका है। अगर ये एरिया बढ़ जाए, उसने ऊपर अगर रेखा बढ़ती रेखा उठती रेखा का कारण बना है, जिसका कारण आपका पैसों से बना है, भाग्य के साथ बना है, तो क्या वो लाभ नहीं पहुँचाएगा, क्यों नहीं पहुँचाएगा, यही तो सुनना चाह रहे थे, और क्या चाह रहे थे। ये आपके ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी ख़त्म है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये यहाँ पर भाग्य रेखा का संबंध ही इस ढंग से जो चल रहा है, लेकिन इस रेखा ने इसके साथ संबंध बना रखे हैं, आगे जाओ चीज़ें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, ये रेखा बनी है, ये रेखाएँ बनी है, मिलेगा संबंध हर जगह। तो ट्रायंगल, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई भी ट्रायंगल बना है, स्क्वायर बना है दिक्कत, लेकिन बनने की कोशिश तो पूरी है, एफर्ट से कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। माइंड लाइन भी देखो, माइंड लाइन भी यहाँ से ऊपर उठ रही है, यहाँ से डिप्रेशन पे आ रही है, फिर भी टुकड़े हुए हुए हैं, फिर भी कोई ना कोई साथ दे दो, और कैसे चीज़ें मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी आपकी लाइफ में, आपके बुढ़ापा सही जाएगा, पैसा होगा, बच्चों के लिए भविष्य बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्यार चाहते हो, प्यार नहीं। अब एक बात बताओ, ये तो छोटी सी बातें हैं, मैं आपको कहूँगी ये तो तुक्का मारा है आपने, कहोगे नहीं कहोगे, क्योंकि हर साल की एक्टिविटीज़ तो नहीं पता लग रही ना, इससे नहीं पता लग रही ना, ये एरिया जो आया है ये आपका प्रॉपर्टी प्लस जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि
ख़त्म हो गई ज़िंदगी, मेरा परिवार टूट चुका है, क्या करना है क्या करना। मैंने उनके लिए बहुत कुछ करा, अलग भी हो गए, पर यहाँ आकर तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं है ख़त्म, नहीं है, ज़िंदगी दोबारा से शुरू होगी, प्रॉपर्टी दोबारा से आएगी, आएगी ज़िंदगी यहाँ पर भी है। दूसरे ये परिवार मुझे लग रहा है कोई रिश्तेदार है, यहाँ पर पिक्चर साफ़ नहीं है। ये भी एक तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, ज़िंदगी चल रही है आपके हिसाब से नहीं चल रही है। इसमें कोई है हेल्प करने वाला, हेल्प करने वाले के लिए क्या साइन होता है भैया? इन रेखाओं पर सीधी रेखा होनी चाहिए, इस एरिया पर कोई रेखा सीधी होनी चाहिए। सीधी सीधी तो है नहीं, लेकिन हाँ ऐसे तो ज़रूर बनाया हुआ है, ऐसे तो ज़रूर बनी है, ये ट्रायंगल ज़रूर बना हुआ है, इन पर रेखा ज़रूर निकल रही है। तो ये जब रेखा निकलती है तो क्या करता है, किसी की सहायता से होता है, सहायता जरूर होती है। ससुराल पक्ष से कोई रेखा निकलती है तो वो ऐसे होती है, अब सीधी नहीं निकल रही, टुकड़ों में निकल रही है, निकल रही है। कोई ना कोई ज़रूर बनेगा, कोई दोस्त बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। लेकिन आपको उल्लू बहुत बनाएगा, याद रखें, आपके पति बनाएंगे, आप केस लड़ोगे, केस में भी आप ये वाली रेखाएं आपको पुलिस केस में फंसाएंगे। आपको ऐसी रेखाओं से तो मैं कहता हूँ जेल भी जाता है आदमी। अगर कहीं 3/4, 4/3 या कोई रेखा इस ढंग से बन जाए, देखो ऐसे ट्रायंगल्स में तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कोई क्रॉस बन के चल रहा है चीज़ और यहाँ रेखा टूटी है और आपने यहाँ पर शादी करा ली, तो वो शादी टिकने वाली शादियों में से एक नहीं होती है, नहीं होती है। उसी के नीचे ये तीन रेखा बनी है, ये कुछ है, तो मतलब मुझे इंडिकेशन ये लग रहे हैं कि ये जेल में भी जाते हैं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। वो समय बताएगा, लेकिन ज़रूर जाता है। तो ऐसे अगर ट्रायंगल्स बने हों, शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे समय पर, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ये माइंड लाइन देखो, माइंड लाइन कैसे ऊपर उठी, टूटी, उसके बाद फिर देखो यहाँ से जुड़ी, ठीक है, यहाँ से जुड़ी, फिर यही हो गई। यानी ये हिम्मत टूटने के बावजूद भी खड़ी होंगी, इन्हें अभी सर्कमस्टांसेस नहीं पता लग रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा, क्योंकि हृदय रेखा भी अपनी कंपैटिबिलिटी खो चुकी है, उसे पैसों के लिए, उसे कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बनेंगी कि लोग साथ देंगे, लेकिन उसकी जो हृदय रेखा है उसका संबंध उसको लाभ पहुंचाने के लिए दिया। अब कोई व्यक्ति मिल जाता है, वो एल्योर कर देता है फीमेल को, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, पति तुम्हारा ऐसा है, चलो मैं केस में हेल्प कर देता हूँ। उसने सोचा केस में करते करते जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई। मैं इतना ही बता सकता हूँ, रद्दी एनालिसिस होता है, रद्दी, मैं इसे कूड़े का एनालिसिस कहता हूँ, कूड़े का एनालिसिस, पैसा ख़राब करना। अरे मेरे पे आपकी जो ट्रस्ट लेवल है वो एक अलग बात है, अरे जो बंदा एक एक साल की बात बता सकता है और ठोक बजा कर बोलता है, उससे आप ये बातें पूछ रहे हो कि इनकी सोच क्या होगी, ये क्या है, आगे ये दुखी क्यों है, क्या ये इनकी लाइफ सही होगी। अपने अधिकार के लिए अगर ये स्टैंड करेंगी, ये केस डालेंगी, प्रॉपर्टी का केस डालती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, डेफिनेटली अगर ये कहें मेरा तलाक नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। घुट घुट के जीवन नहीं जीना, ऐसे व्यक्तियों के लिए को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। ये जिंदगी भर अगर ये सोचें कि मैं जिंदगी भर तलाक ना लूँ तो ये वो भी चल सकता है, लेकिन डरा कर ये हेल्प करेंगे, इनके ससुराल वाले कुछ करेंगे, सब कुछ करने के बावजूद भी पति डर के इनके सारे काम होते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी स्मूथ बन के चलेगी, स्मूथ बन के आराम से नहीं चलेगी। कभी पैसों की तंगी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पैसा मिल गया, कभी कुछ हो गया, बहुत कुछ है लाइफ, लेकिन छत रहेगी लास्ट। तरक्की करेंगे, ये तो निश्चित। बच्चे, हाँ ये रेखाएं देखकर साफ पता लग रहा है कि बच्चों के लिए भी
दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी बहुत कुछ होता रहेगा, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर एसेट्स को बता रही हैं, तरक्की को बता रही हैं, उनके लिए एसेट्स छोड़ कर जाने को बता रही हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ, पर रद्दी एनालिसिस, प्लीज़ यार, मेरे तो दिल कर रहा है कि इनसे मनाई कर दूँ, इन लोगों से, कि पिक्चर तो साफ, तो इतना ट्रस्ट यार किसी पर क्या है, इससे क्या पता लग गया, कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, मुझे ही नहीं इंटरेस्ट आ रहा कि यहाँ साइन क्या बने। बट लेकिन ये यार सही कह रहा हूँ, इनकी लाइफ में मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा गंदी है, और दूसरे व्यक्ति भी मिलेगा इसमें, डेफिनेटली दिख रहा है, 100% दिख रहा है, ये रेखा यहाँ से ऊपर से आई है, 100% दिख रहा है। तो आप ये मत कहो कि आपके पति ही दूसरी जगह लग रहे हैं, आप भी, लेकिन आप अंदर से सोचते हो वो मैंने जो किया वो गलत नहीं था, वो तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा पति दुखी था तो कोई मिल गया, बस अपने आप को इस श्रेणी में रखना और पति को कहना कि वो गलत कर, वो दो दो महीने चार चार महीने नहीं आते, शुरुआत दोनों तालियों से होती है, ताली तो नहीं बजती है, कहीं ना कहीं ये कंपैटिबिलिटी ब्रीच हो रही है, ये देखो ये ब्रीच हो रही है, इसी रेखा से जुड़ी ब्रीच हो रही है, पीछे से आ रही थी। सूर्य कमजोर होने की निशानी है, सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए, गुरु तो साथ देगा, चाहे उल्टा हो सीधा हो, लटक कर जैसे मर्जी, चाहे आपको दुखी देख कर सास का मन पसीज, चाहे ससुर का, जेठ का, किसी का, वो हेल्प करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ये वो रेखा। धन्यवाद।